और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इस बात का सम्मान करते हैं, इस बात को फॉलो करते हैं कि हमारी जो नेता कहती है वही होना चाहिए। वसुंधरा राजे को बड़ा नेता बनाने के लिए दिल्ली जाके क्यों बनना पड़ा गोविंद सिंह जी को? आप क्यों बड़ा नेता कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? वसुंधरा जी की सरकार फेल हुई तब तो कांग्रेस की सरकार बनी है, वो अगर अच्छा करते तो उनकी दोबारा सरकार बन जाती, इसका मतलब उन्होंने अच्छा नहीं किया। मुझे जो प्रश्न पूछा गया एक पत्रकार मित्र के द्वारा कि राजस्थान में जो बीजेपी टूटी फूटी लड़खड़ाई हुई लंगड़ी जो भी बीजेपी है उसमें कौन बड़ा नेता है, तो मेरी समझ में जो दो बार मुख्यमंत्री रही है वही बड़ी नेता है, उसी के फॉलोवर्स ज़्यादा यहाँ पर हैं, उसी के MLA ज़्यादा हैं, तो निश्चित रूप से वो तो स्वाभाविक बात थी कि बीजेपी जैसी भी है उसमें अगर कोई एक नेता बड़ा है तो कौन है, तो वो वसुंधरा राजे है और उसको मौजूदा बीजेपी का संगठन पूछ नहीं रहा है, न मोदी जी पूछ रहे हैं न अमित शाह जी पूछ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। बीजेपी फूट में कांग्रेस का फायदा दे नहीं, नहीं फूटी वो तो टूट चुकी, फूट चुकी, लड़खड़ा चुकी, उसमें तो अंतिम सांसें गिन रही है राजस्थान में, तो बीजेपी कुछ है ही नहीं, आपस में लड़ रहे हैं। कल तक किरोड़ी जी मीणा यहाँ शहीद स्मारक में धरना दे रहे थे और फिर जाकर के अब उनके साथ दारियाबाद में प्रचार करने लगे, जबकि वो कहते थे कि नहीं नहीं मैं कोई प्रचार नहीं करूँगा बीजेपी का, बीजेपी मेरा साथ नहीं देती आंदोलन में। अब पता नहीं क्या मजबूरी हुई होगी उनको, कैसे चले गए हो तो हो जाए।